Hello guys, thanks for watching my video. Today I am going to discuss report writing for a newspaper. Suppose you are a journalist and you are asked to cover any event, incident or accident. How to write a report? I will give some tips and discuss some reports also. First of all, you give heading. Then you will write name also. Your question is, you are Tulsi and Tarun, staff reporter. So यहाँ पर आप नेम देंगे तुलसी और तरुण एंड स्टाफ रिपोर्टर. In this report you will write date as well as name of place. That you need not write for school magazine. Suppose you are reporting from Patna or Trivandrum, any place. You will write name of the place, Patna. And give date also. Newspaper के लिए report आपकी दो तीन बातों पर depend करती है. फर्स्ट थिंग, वेदर यू आर आई विटनेस. अगर आप किसी इंसिडेंट के आई विटनेस हैं तो उसका थोड़ा सा सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा. बट सम इंसिडेंट्स आर देयर दैट यू आर नॉट आई विटनेस, यू हैव विजिटेड द एरिया. तो या तो आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर डिपेंड करेंगे अपना डिस्क्रिप्शन देने के लिए, और व्हाट द पीपल से अकाउंट गिवन बाय द आई विटनेस और पीपल. अब आपका क्वेश्चन है, हैवी रेन हैज कॉज्ड ग्रेट डैमेज इन योर एरिया, यानी कि फ्लड सिचुएशन है. राइट ए रिपोर्ट इन 125 टू 150 वर्ड्स फॉर द न्यूज़पेपर The News Express. अब ये न्यूज़पेपर का नाम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है कि हम इसको कहाँ पर लेकर आए. आपको न्यूज़पेपर का नाम कहीं नहीं लिखना है, ये बात आप ध्यान रखें. अब फ्लड पर रिपोर्ट है तो आप कैसे लिखेंगे, कहाँ पर, वेयर, वेन, इससे आप स्टार्ट करेंगे. उसके बाद आप डिटेल देखेंगे. सपोज हैवी रेन हैज कॉज्ड, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, हैवी रेन या तो आप ऐसे सेंटेंस लिख दें, हैज कॉज्ड ग्रेट डैमेज इन माय एरिया. लेकिन आप दूसरे तरीके से भी सेंटेंस बना सकते हैं, वो ये, यू कैन डू लाइक दिस, थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना हैव सबमर्ज्ड इन वाटर. एज हैवी रेन हैज बीन फॉलिंग फॉर 5 डेज, यहाँ पर आप हैवी रेन कह सकते हैं. टोरेंशियल रेन एक और वर्ड होता है, टोरेंशियल रेन. और आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, टोरेंशियल रेन हैज बीन फॉलिंग और हैवी रेन हैज बीन फॉलिंग फॉर 5 डेज इनसेसेंटली. इनसेसेंटली कंटिन्यूसली विदाउट एनी स्टॉप, ये वर्ड आप, ये एडवर्ब आप यूज कर सकते हैं. तो ये आपने रीजन बता दिया. आगे आप बहुत सारी डिटेल दे सकते हैं, कोसी रिवर और एनी अदर रिवर इज फ्लोइंग अबाउट डेंजर मार्क, या रिवर इज ओवरफ्लोइंग, देयर इज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर. आप कह सकते हैं द सिचुएशन इज ग्रिम, ग्रिम के भी वर्ड यूज कर सकते हैं और सीरियस भी वर्ड यूज कर सकते हैं. The situation is grim or serious. अब
आगे आप सेकंड पैराग्राफ में क्या बताएंगे कि क्या क्या किया गया है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द अथॉरिटीज और एनजीओज और बाय द पीपल और बाय द गवर्नमेंट, ये आप स्टेप्स बताएंगे। अब वो कौन कौन से मेजर्स हो सकते हैं? एक मेजर तो ये हो सकता है, पीपल लिविंग इन लो एरियाज हैव बीन शिफ्टेड। Safe places. Or many people have taken shelter on roof and on trees. Then you should tell about the damage. Their huts and mud houses have collapsed. The crops have totally damaged. Even many cattle can be seen floating on water. ये आपने पूरा हालात बता दिया है, सिचुएशन बता दी है। If you divide your report in three paragraphs, then mention measures in third paragraph. अब measures में क्या हो सकता है? Food packets and drinking water have been dropped from helicopter by the authorities, आप ये कह सकते हैं। Even medicines are also being supplied, two measures हो गए। Third हो सकता है कि disaster management team and army are doing great job or commendable job or praiseworthy job. What step has been taken by the government to help the people? The state government has announced financial help for the affected people. अब ये कुछ वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। अफेक्टेड किसको कहेंगे? जो लोग प्रभावित हुए हैं। और फ्लड स्ट्रिकन एरिया और फ्लड स्ट्रिकन पीपल, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। सो आप एंड कर सकते हैं, थैंक गॉड देर इज नो कैजुअलिटी। और इस वर्ड की जगह आप ये भी कह सकते हैं, ये वर्ड ना भी आपको याद आए तो, देर इज नो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के लिए यूज सम गुड वर्ड्स और फॉर्मल वर्ड्स। 12th के स्टैंडर्ड पर रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए और कौन कौन सी हो सकती है? Your report can be on fire, some building or some house or some shop. अब अगर fire पर आता है तो आप कैसे पहले heading दीजिए कि वो building जो है या a building was engulfed in fire. Building engulfed in fire. Then name, as I have already told you. Then place, suppose a building in Connaught Place was on fire, तो आप New Delhi करेंगे, then give date also. ऐसी report hammering opening होनी चाहिए। Nearly 3 floors were gutted in fire, या great damage was done in fire yesterday in Vardhman building. आप ऐसे करेंगे, फ्लोर्स का भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर वो ऑफिशियल है। पूरी बिल्डिंग में आग लगी है तो आप पूरी बिल्डिंग का मेंशन करेंगे या फिर फ्लोर्स का। एंड मोर देन 240 पीपल वर ट्रैप्ड इन फायर फ्रॉम 2 PM, अगर आप ऐसे इस टाइप से आप मेंशन करेंगे टाइम का। There was stampede and panic among people. 40 people have been injured or 38 people have injured and 10 out of them are in serious condition. ये आप एक जनरल बताएंगे। Then you change the paragraph कि fire caused by short circuit, fire brigade arrived in half an hour or 1 hour or 15 minutes. Police also arrived. Fire brigade battled for 3 hours to extinguish the fire. Cause में आप ये भी दे सकते हैं कि cause has not been ascertained.
बंद करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।